वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं मंडे इवनिंग में थोड़ा सा ये क्लिप्स ले ली थी, वेजिटेबल्स कुछ आया था और फ्रूट्स इस तरह आया था, मैं साफ़ सफाई करके रखी थी तो क्लिप्स ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए। विंटर में ग्रीन वेजिटेबल तो ज़्यादातर मिलते हैं, तो हस्बैंड ऑफिस से जब आते हैं घर को उसी टाइम लेके आते हैं, तो इवनिंग में मैं साफ़ सफाई करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे को प्लानिंग करते हैं क्या हमको बनाना है रेसिपी। और उसी दिन हमारे यहाँ कार्तिक का जो सोमवार होता है उसमें व्रत रखते हैं, तो हमारे जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, वो लिंगराज महाप्रभु का ये प्रसाद है। मैं जो साग सब्जी आप लोगों को दिखा रही थी इनमें एक आप लोग जान पा रहे होंगे, एक है साग सब्जी, एक मीठा वाला दाल है और एक बेसर, और ये दही के साथ फ्रूट्स मिला के एक पाचड़ी बोलते हैं उसको, और ये प्रसाद का अन्न बोलते हैं राइस, वो मिट्टी के हंडी में बनाया जाता है। सभी चीज़ जो जो होता है आइटम वो उसको मिट्टी के हांडी में मिला के स्टीमिंग करके बनाते हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गया ट्यूसडे का, हमारा आरओ का काम चल रहा है और वो तो जगह चेंज ही हुआ पर अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया था। जो भैया आए हैं वो देख रहे हैं पर सॉल्व नहीं हो पा रहा था, फिटिंग कर लिए उसके बाद प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया, पानी ठीक से सेट नहीं हुआ, फिर से गीला गीला जैसा लग रहा था। किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, मेरा ऐसा फैला पड़ा है। वो भैया लाके ये जो पार्ट्स लेने के लिए गए हैं आके फिटिंग करेंगे, उसके बाद मैं मेरा काम शुरू करूँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले क्लिप्स में दिखाई हूँ आरओ का जो रिपेयरिंग का काम हो रहा था और पोजीशन भी चेंज हो गया है, और सिंक एरिया के ऊपर मैं भी बोल रही थी आप लोगों को एक ब्लॉक में वो लग गया है, और ये आज जो लगा है वो दो दिन पहले आके कैंडल चेंज किए थे पर यहाँ पे हैंगिंग नहीं हुआ था, सेल्फ के ऊपर वहाँ था पर अंदर में कुछ लूज कनेक्शन हुआ था कैंडल का, और ये वाला जो सेल्फ है पानी लीकेज हो के आरओ से दोनों सेल्फ ऐसे ही बह रहा था पानी, और वो भैया कहीं दूर चले गए थे और ये काम ऐसे ही दो दिन से पानी सेल्फ गीला गीला, और मैं जो थोड़ा सा अरेंज करके रखी थी वो भी थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा भी फैला हुआ है, और किचन भी अभी ठीक नहीं, ऐसे काम के बाद काम में लग जाता है, तो मैं सेट करूँगी काम को। और ये आरओ का जो कैंडल नया वाला कैंडल चेंज हुआ है उसका जो पानी है पहले वाला पानी फेंकना पड़ता है, उसको जो स्टॉक हुआ है उसको फेंक दूंगी, उसके बाद हमको यूज़ करना है पीने के लिए। यही काम मैं थोड़ा सा, और बेटी को भी लेके स्कूल में जाना है, उसमें उसका जो प्रैक्टिकल कॉपी सबमिशन है और ये सब काम है, और बेटा भी ऑनलाइन क्लास में बिजी है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा साफ सफाई करके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और कुछ दिन हो गया है मैं आप लोगों से ऐसे ही सामने बात नहीं की हूँ, और आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा पसंद आ रहा है या नहीं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरा व्यू भी ऐसे नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छा सा अच्छा ब्लॉग दिखाऊँ और मेरा काम को दिखाऊँ, मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं, मैं बाद में आप लोगों से मेरा काम जो आगे है दिखा दी जाऊंगी। आज ये जो काम हुआ है सुबह में कुछ भी मैं रेसिपी शूट करने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला, और चावल दाल उबाल के रखी हूँ, आलू उबाल के रखी हूँ, और अरबी को घी के साथ फ्राई करूंगी, सोच रही हूँ उसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिंपल है पर आज ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी कुकिंग के टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ कार्तिक महीने का जो लास्ट 5 डेज होता है व्रत रखते हैं, उसमें छौंक नहीं देते हैं मूंग दाल के साथ, कुछ सिलेक्टेड वेजिटेबल डाल के डालमा बनाया जाता है जिसको हबीसो डालमा बोलते हैं,
और आलू नहीं खाया जाता है। ऐसे ही बच्चों को लिए तो करना पड़ता है, बिना प्याज लहसुन भी बनता है, पर बच्चों के लिए प्याज लहसुन वाला थोड़ा सा बनाती हूँ और आलू भी मैं उबाल के रखी हूँ। बच्चों के लिए ऐसे ही आलू का चोखा बना लूंगी और भी फ्राई। हम लोग व्रत के लिए जो बनाते हैं कार्तिक महीने में, ऐसे जो स्वीट पोटैटो और सूरन अरबी और कच्चा पपीता जो है रा पपिया वो ही वाले और कच्चे केले की सब्जी ऐसे ही खाते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत की हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। और भी फ्राई मैं दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है, घी के साथ फ्राई करो तो अच्छा लगता है। तो चलती हूँ मैं, जो ये फैला पड़ा है उसको मैं साफ सफाई कर लूँ और ये सेल को थोड़ा पोछा लगा लूँ, उसके बाद काम क्या करती हूँ आप लोग देखते जाइए मेरा काम को। अभी मैं ये अरबी फ्राई की रेसिपी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो अरबी है इस तरह मैं साफ करके छिलका हटा के छन्नी में रखी हूँ, ताकि वो जो थोड़ा गीला गीला लगता है ऊपर वो सूख जाए। मैं 15 से 20 मिनट ऐसे छन्नी में रखी थी। गैस के ऊपर एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखी हूँ, उसमें एक बड़े चम्मच से ज़्यादा मैं घी ली हूँ और जीरा तड़का और सूखा जो लाल मिर्ची है उसको मैं तड़का देके जो अरबी को टुकड़े में कटिंग करके मैं रखी थी इस तरह, उसको मिला के थोड़ा घी के साथ उलट पुलट कर रही हूँ। और उसके साथ भी हमको स्वाद अनुसार नमक और हल्दी भी जैसे फ्राई करते हैं ऐसे ही मिलाना है। ये अरबी ऊपर से थोड़ा स्टिकी स्टिकी लगता है, चिपचिपा लगता है, पर अंदर सख्त होता है। ये जो अरबी है, कई कई अरबी थोड़ा खुजली होता है, हमारे जो गले के पास ही खुजली लगता है, तो मेरा जो अरबी है वो अच्छा वाला है, खुजली नहीं होता है, फिर भी अरबी थोड़ा स्टिकी स्टिकी लगता है। घी के साथ इस तरह सूखा सूखा हम फ्राई करेंगे टुकड़े में कटिंग करके तो टेस्टी लगता है। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, पर जिस तरह मैं आज फ्राई की हूँ मेरे बच्चों को पता ही नहीं चला, वो समझ लिए कि ये कच्चे केले की भाजी है। क्योंकि जब अरबी फ्राई बोलते हैं हम बच्चे नहीं खाते हैं, पर मैं ये मेरा खुजली वाला नहीं है, अच्छा वाला अरबी है, बच्चों को पता ही नहीं चला घी के साथ ये जो अरबी फ्राई मैं बनाई हूँ। मैं चेक कर रही हूँ, ऐसे ही 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम में नमक और हल्दी थोड़ा मिला के फ्राई कर रही थी और अरबी थोड़ा टूट रहा है। अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पास से देखिए, ये मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के बाद देखिए इस तरह हो गया है, क्योंकि मैं टुकड़े में कटिंग कर ली हूँ छोटे छोटे टुकड़े, मैं पानी नहीं मिलाई थी, पर मैं 1 कप चाय कप से जितना 1 कप ही मैं पानी मिलाई हूँ, मिला के थोड़ा ढक्कन दे दूँगी। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ढक्कन दे के मीडियम से फ्लेम को थोड़ा लो करके मैं फिर से 2 से 3 मिनट ढक्कन दे दी, पानी सूख गया, 1 कप में पानी मिलाई थी। मेरा तो अरबी ऐसे ही टूट रहा था, पानी मिला के जो 2 से 3 मिनट ऐसे ही ढक्कन दे दी, देखिए ऊपर से स्टिकी स्टिकी लग रहा है, अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा मैं उलट पुलट करके सूखा सूखा बना लूँ तो ये फ्राई हो गया है, बहुत इजी हुए है। और इसी टाइम में हाफ नींबू का जूस में निचोड़ रही हूँ और भुना हुआ जीरा पाउडर, कुछ भी ये फ्राई में मैं नहीं मिलाई हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं मिलाई हूँ, लास्ट में भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ नींबू का
रस में मिलाई हूँ, क्योंकि ये खुजली नहीं होगा नींबू के रस मिलाने से, और थोड़ा खट्टा का स्वाद आएगा और अच्छा लगेगा। घी के साथ बनाए हैं, इस तरह फ्राई करो तो बहुत टेस्टी लगता है। ये थोड़ा सा मैं एक मिनट के अंदर उलट पुलट करके और सूखा बना ली। देखिए आप लोग, मैं जब बाउल को निकाल रही हूँ आप लोग जान पा रहे होंगे कितना सूखा बना है भाजी, और अंदर में पक गया है और ज़्यादा स्टिकी नहीं बना है, सूखा सूखा है। बच्चों को तो पता ही नहीं चला, वो कच्चे केले की भाजी समझ के खा गए। हमारे यहाँ कार्तिक के महीने में ये अरबी को खाया जाता है। आप लोग व्रत में अरबी खाते हैं तो इस तरह भी टुकड़े में कटिंग करके फ्राई करो तो घी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सिंपल रेसिपी को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल वीडियो बनाने की मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यूज थोड़ा सा हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा इनकरेजमेंट होता है वीडियो बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं जो वीडियो बनाए हम, एडिटिंग करे, अपलोड करे, और भी YT के कितने काम होते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही थी घर में कितना फैला हुआ है काम। बेटी को लाने गई, थोड़ा सा कुछ रेसिपी शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर की, और ज़्यादा मन नहीं, क्योंकि बाद में मुझे काम है, बेटी को लेके बाहर जाना है ट्यूशन। ऐसे ही मैं आज अच्छे से कंघी नहीं की हूँ, एक जुड़ा बना लो तो काम में लग जाओ। हम ऐसे ही करते हैं, कोई दिखावा नहीं, पर व्यूज आजकल क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहे हैं। थोड़ा सा था जो व्यू मुझे अच्छा लग रहा था, ताकि आगे से आगे सब्सक्राइबर्स गेन होंगे और व्यूज भी थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ा क्या, और ज़्यादा ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, इसलिए मन भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो काम हम शेयर करेंगे, इसलिए कुछ कुछ काम मैं शेयर कर रही हूँ, और ज़्यादा रेसिपी भी बना के शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो जो पॉसिबल होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग जैसे मेरे साथ हैं मैं भी आपके साथ हूँ, ऐसे ही आपस में हम चलते रहेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर की हूँ मेरे मन की बात, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ब्लॉग को और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, जो जो किचन में मैं सेट की हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग और जो ऑर्गेनाइजिंग की हूँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।